जब बच्चे इस हद तक चले जाएं जो आप फरमा रही हैं, तो हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हमने, ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर किसी जगह पाइपलाइन फट गई है, उसका पानी आपके घर के अंदर आ रहा है, तो उस पानी को अगर अपने घर के अंदर एंटर होने से शुरू में नहीं रोक पाएंगे हम, तो जब पानी घर के अंदर बहुत आ गया, फिर जब हम रोकने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा हमारा, फर्नीचर ख़राब हो चुका होगा, कारपेट ख़राब हो गया होगा, मकान की प्लास्टर वगैरह पेंट ख़राब हो चुके होंगे। हमसे कोताही ये होती है कि हम माँ बाप अपनी औलाद को शुरू में वक्त नहीं दे पाते हैं। जब हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते हैं तो अपने रास्ते वो तफरी के ख़ुद बनाते हैं, और चूँकि तजर्बा और समझ उतनी नहीं होती कि वो अपने बुरे भले को देख सकें, तो उस तरफ वो जाते रहते हैं। हमारे इल्म में उस वक्त बातें आती हैं, आँखें हम माँ बाप की उस वक्त खुलती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है, उस वक्त हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो आमतौर पर वो मामला दुरुस्त साबित होता नहीं फिर, और बच्चे को हम रोकने की कोशिश करते हैं बड़ी सख्ती के साथ, वहाँ भी हिकमत इस्तेमाल नहीं करते। नतीजा ये होता है कि वो बच्चा ये समझता है कि माँ बाप मेरे मुखालिफ हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में हम जाके खुदा न खास्ता फंस जाएं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपने जहन में एक चीज़ रखें कि ये दरिया बह रहा है और हम उसका रुख मोड़ना चाहते हैं कि वो बजाय सीधा जाने के राइट साइड को 90 डिग्री पर चला जाए। हमारे पास दो रास्ते हैं कि उस बहते हुए पानी के सामने एक दीवार खड़ी कर दें। कितनी ही मजबूत दीवार हम खड़ी करेंगे, वो बिलाखर टूट जाएगी, पानी उसके पीछे जमा होता चला जाएगा। एक वक्त आएगा कि उसके पीछे जो पानी का प्रेशर है वो उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा, तो दीवार टूटेगी तो वहाँ से जो पानी बहकर निकलेगा वो पहले से ज़्यादा तबाही मचा देगा। अकलमंद इंजीनियर या अकलमंद डिज़ाइनर वो दीवार को इस तरह से डिज़ाइन करेगा कि वो पानी के साथ बहते हुए पानी के रुख पर जाए और आहिस्ता आहिस्ता रुख मोड़ती जाए दीवार। इसमें पैसा ज़्यादा लग जाएगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन बिलाखिर दरिया अपना रुख बड़ी आसानी से मोड़ लेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब हम ये देखें कि औलाद हमारी इस स्टेज पे आ गई, बड़ी हिकमत के साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ग्रेजुअली उसको उस राह से एक तरफ हटाना शुरू कर दें, तो बच्चा 99% केसेस में हमारा तजर्बा ये है कि सुधर जाता। इस सिलसिले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर उसको कोट किए, उसकी तवज्जो बड़े तरीके से दिलवा दें उन लोगों की तरफ जो इसी रास्ते पे गुजरे और बर्न देयर फिंगर्स। हम उससे उनको खुद सबक वहाँ से हासिल करने दें, बजाय हम पॉइंट आउट करें, सिर्फ हम तवज्जो उधर को दिला दें, तो बच्चे समझ जाते हैं। वक्त लगता है, हम पेशेंटली बच्चों को संभाले रखें तो कामयाबी हो जाती है।